हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम घर पर बना रहे हैं पिज्जा पफ की रेसिपी। वैसे तो बाजार में, मैकडॉनल्ड में वगैरह में मिलते हैं, बट घर में बनाकर खाने में कुछ मजा ही अलग है। तो चलिए, देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले मैदा ले लेना है। डिपेंड करता है कि आप कितना पिज्जा पफ बना रहे हैं, उसी हिसाब से ले। हमने फिलहाल अभी दो पिज्जा पफ बनाए हैं आपके सामने। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लेंगे, देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, एक अंदाज, क्योंकि कम है मैदा का। थोड़ी सी नमक, हाफ स्पून, थोड़ी सी रिफाइंड, सब मैं इसको मिला के अच्छी तरह से मिलाना है। आपको रिफाइंड इतना डालना है ताकि हम जब मुट्ठी में इसको बैंड करें ना, तो ये बैंड हो सके आपस में। ये देख रहे, नहीं हो रहा है, इसके लिए और चाहिए, तभी आपकी पिज्जा पफ क्रिस्प बनेगी। ये देखिए, हमने इसे मिला लिया है और ये हमारी मुट्ठी में बैंड हो रहा है। इस तरह से आपको आटा को करना। अब थोड़ी सी से हमने फ्रिज में कुछ कोल्ड वाटर रखा था, इसको ऐसा मिलाना है दोस्तों कि ज्यादा गीला ना, ज्यादा स्मूथ डो मिलाना है, ज्यादा गीला भी नहीं, ज्यादा टाइट भी। आप देख रहे हैं, इसमें कम पानी में, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, हमने स्मूथ डो, ये देख पा रहे हैं, बना लिया है हमने इसमें। इसका जैसे ना कुछ गीला लग रहा है, ना ज्यादा टाइट है। अब इसको हमें कम से कम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट चाहिए। ये रेस्ट हमें कुछ सब्जी जो डलती है इसमें, जैसे हमने काट लिया है टमाटर, हल्की बारीक काटना है, दो प्याज, कुछ शिमला मिर्च, हमने थोड़ा सा कॉर्न लिया है और थोड़ी सी बीन्स। हमारे पास अभी गाजर अवेलेबल नहीं है, आप चाहें तो गाजर भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ी सी पकाते हैं। चलिए, हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम बहुत कम डालेंगे क्योंकि उसको हमको तलना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। ऑलरेडी जब हम तलेंगे ना पिज्जा पफ को, तब तक ये पक चुकी होगी। थोड़ी सी बहुत कम नमक डालना है। थोड़ी सी तीखापन के लिए डाल दी। पकने के बाद सब्जी, अब इसमें हमें थोड़ी सी चीज डालनी है। अब हमारी सब्जी देख रहे हैं आप, हाफ पक चुकी है। अब इसमें हमने सॉस और मेयोनीज को मिला देना है, कुछ खट्टी, थोड़ी सी कुछ मीठी, कुछ चटपटी की टेस्ट तभी आएगी। ये देख रहे हैं, हमारा ये तल तैयार है। अब इसमें हम थोड़ी सी कैच की चाट मसाला डालेंगे।
हमारा रेस्ट हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से स्मूथ करके इसकी इसको अच्छी तरीके से थोड़ी सी मसल मसल के मिलाएंगे ताकि स्क्रैच ना आए। इसको हम अब अच्छी तरह से ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी इसको हम अच्छी तरीके से बेल लेंगे। हमने इसको अच्छी तरीके से बेल लिया है, आप देख पा रहे हैं ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली, इस तरह की ठीक है। अब इसको चारों से देख रहे हैं हमारा गोल पूरी नहीं हुई है, इसे हम चारों तरफ से हमने किनारा को काट के हटा लेनी है। हमने हटा लिया है, अब इसको चार भागों में काट लेंगे। अब हमने जो काट लिया, अब हमने जो सब्जी बनाकर फिलिंग के लिए तैयार कर रखा था अब हम इसको बीच में डालेंगे। ध्यान रहे ऐसा डालना है मिडल में कि ताकि ये बाहर ना निकले, क्योंकि हमें कांटे वाले चम्मच से जो है उसको दबाना भी है ठीक है। हमने हल्का फिलिंग चारों हिस्से में हमने इसमें फिलिंग को डाल दिया है। अब ये जो दो हमने दो में डाला है, हमने बताया था पहले कि दो हम पिज्जा पफ बना रहे हैं, उसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। देखिए दोस्तों ऐसा कवर करना है कि इक्वल हो जाए और अच्छी तरीके से इसे साइड में हाथों से पहले चिपका देना है ताकि फटे ना। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले कम फिलिंग डालिए, ट्राई कीजिए। बाद में देखिए। चलिए अब हमने इसको डाल लिया है, अब हम इसको चाकू की सहायता से चारों तरफ से हम दबा देंगे। अब हम इसको फ्राई पैन में इसको डीप फ्राई तलेंगे। इसको हमने रिफाइंड लिया है, आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ये देखिए हम तेल ले लिए हैं, हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसको अच्छी तरीके से डाल देंगे। तो गैस को मीडियम करना है। ये देखिए हमारा पिज्जा पफ बनकर तैयार हो गया। आप इसे घर पर बनाएं और इंजॉय कीजिए और बताइएगा कि आप बनाकर कैसा लगा। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।